नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के एनपीआर लाने के फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। एनपीआर अपडेशन में असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर चल रहे घमासान के बीच में एनपीआर की प्रक्रिया को मंजूरी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों की तरफ से एनपीआर को एनआरसी की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एनपीआर और एनआरसी का आपस में कोई लेना देना नहीं और ना ही इससे किसी की नागरिकता को कोई खतरा है। एनपीआर में तमाम जानकारियां देश में रहने वाले सभी लोगों यानी कि असम को छोड़कर उनसे पूछी जाएंगी और इनके आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। इस नए एनपीआर में माता पिता के जन्म स्थान वाला पहलू काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो वहीं विपक्षी दल एनपीआर की प्रक्रिया को एनआरसी का ही कदम बता रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वस्त किया है कि एनपीआर और एनआरसी अलग अलग हैं और एनपीआर से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ देश में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है। शाह ने यह भी कहा कि अगर किसी का नाम एनपीआर में रह भी जाता है तो भी उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। और आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। कर दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी को नागरिक किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे क्या है ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं। जो पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है। ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृहमंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। जब लगातार संविधान के प्रावधानों पर जो प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस के माध्यम से पूरे देश में ये चर्चा करना चाहती है कि लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, पढ़ाई करने वाले बच्चों के ऊपर जो पुलिस का बल प्रयोग हो रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आर्थिक मंदी पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो दुनिया का, देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो वृद्धि होने रही अर्थव्यवस्था के अंदर, नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और लगातार कभी एनपीआर, कभी एनआरसी, कभी सीएबी, दुनिया भर के ऐसे विवादित मुद्दों को टूल दे रहे हैं ताकि मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी जा रहे थे मेरठ, उनको जाने नहीं दिया गया है। 18 लोग मर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बेवजह जो मौतें हो रही हैं, हिंसा फैल रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो इसके विरोध में हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता 28 तारीख को एक मार्च निकालेंगे, सुबह 8 बजे हम लोग मार्च को चालू करेंगे और संविधान के जो प्रावधान हैं, जो राजघाट पे सोनिया गांधी जी ने सबने संविधान को पढ़ा, तो लोगों को याद दिलाने के लिए पढ़ा है और उसी की मूल भावना की रक्षा करने के लिए हम सब लोग सड़कों पर आए। तो बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर एक, एनपीआर लाने का फैसला कितना सही है सरकार का? एनपीआर और एनआरसी में कितना अंतर है, क्योंकि इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। राज्यों का एनपीआर पर भी विरोध क्यों? इससे पहले सीए एनआरसी का विरोध और अब एनपीआर पर विरोध शुरू हो गया है। एनआरसी एनपीआर पर कौन सच्चा है और कौन झूठा है? एनआरसी की बैकडोर एंट्री के दावों में आखिर कितना दम है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि एनआरसी की ये बैकडोर एंट्री है
और इसलिए हम सवाल आज पूछेंगे अपने खास मेहमानों से। इस चर्चा में बहस करेंगे आज इसी मुद्दे पर कि एनआरसी और सीएए को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, अब एनपीआर को लेकर भी विपक्ष ने बयानबाजियां शुरू कर दी हैं, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, जितेंद्र श्रीमाली जो बीजेपी से नेता हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरुण पुरोहित हैं जो कांग्रेस से विचारक हैं। वरुण जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। सर, मैं बड़ी बहस की, एनआरसी पर बवाल और एनपीआर पर सवाल खड़े हो गए हैं आप। देखिए पराग जी, सबसे पहली बात तो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल इस बारे में अपना इंटरव्यू देकर के बिल्कुल क्लियर कट की बात कही है कि एनसीआर और एनपीआर का कोई आपस में संबंध नहीं है, एनआरसी और एनपीआर का आपस में कोई संबंध नहीं है, एनआरसी बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, यह तो जनगणना के आंकड़ों से संबंधित काम है जो कि पिछले 70 साल से इस देश में चल रहा था और कांग्रेस के समय भी 2010 के अंदर यह चीज लागू हुई, 2011 के अंदर इसके आधार के ऊपर काम हुआ, इसके बाद 2015 के अंदर घर घर जाकर के इस बारे में सर्वे किया गया, जो फॉर्मा जो कानून उस समय जो चला था वही ये एनपीआर है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि समय के अनुसार कुछ और प्रश्न इसमें जोड़ दिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रश्नों में जो भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है जो अपने बातों को बताएगा कि मेरे माता का नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा नाम यह है, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, अपने बारे में जो भी जानकारी जो पिछले 70 साल से बेटवा आया है उसी प्रकार की जानकारी वो जो देगा वो है मान ली जाएगी, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसके अलावा गृह मंत्री जी ने जैसा कि बताया था हमको कि इसमें मोबाइल के अंदर भी ऐप है, ऐप का लॉन्च किया गया है, ऐप के अंदर जो जानकारी आप भर देंगे वह जानकारी ही मान्य होगी, इस पे किसी प्रकार का कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी क्योंकि इस देश के अंदर एक दो इस प्रकार की टुकड़ा टुकड़ा गैंग काम करती है, एक पपैया गैंग काम करती है इस देश में, पपैया गैंग यानी जो पप्पू के भक्त है, ऐसी एक गैंग काम करती है जो कि इस देश में भ्रम फैला रही है, इस देश में भ्रम फैला रही है। लेकिन जितेंद्र जी, ये सीधा आरोप है विपक्ष का कि एनआरसी का ये पहला कदम है एनपीआर, बैकडोर एंट्री कर रही है सरकार एनआरसी के लिए, कि एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि नागरिकता का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है कि नागरिकता से संबंधित किसी प्रकार की कोई बातचीत इसमें है, न इसके जो आंकड़े हैं न एनआरसी के अंदर काम आएंगे, एनआरसी का काम अभी कोई कैबिनेट के सामने आया नहीं है, सरकार के सामने कोई प्रस्तावित नहीं है, जब एनआरसी की बात आएगी तो निश्चित तौर के ऊपर कह करके कि ये एनआरसी लागू की जा रही है उस समय लागू की जाएगी, आज की तारीख में एनआरसी के ऊपर किसी प्रकार का। लेकिन जितेंद्र जी, सदन के अंदर अमित शाह कहते हैं एनआरसी के बारे में, उसके बाद प्रधानमंत्री का अलग बयान होता है, उसके बाद फिर अमित शाह की ओर से कहा जाता है कि ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन इसको लेकर भी बयानबाजियां शुरू हो गई कि अमित शाह कुछ बयान देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा, उसके बाद में जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी तो उसके बाद में समस्त प्रकार की बातचीत पर विराम लग गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने भाषण में, अपने इंटरव्यू के अंदर, अपने बातचीत में स्पष्ट रूप से इस बात को कर दिया कि अभी एनआरसी लाने का फिलहाल इसलिए अमित शाह को आकर सफाई देनी पड़ी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। उसमें कहकर जाएगी बिल्कुल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में यह बात स्पष्ट हो गई है कि एनआरसी का फिलहाल सरकार के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है, जब एनआरसी लाएंगे तो कहकर के लाएंगे कि ये एनआरसी है और ये लागू की जा रही है, आज की तारीख में एनआरसी का कोई नहीं है, ये एनपीआर है, वो केवल और केवल जितेंद्र जी, तो क्या माहौल को और परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया कि एनआरसी को अभी रख दिया गया है साइड में, एनपीआर लेकर आ रहे हैं? देखिए, किसी को देख करके कोई कदम नहीं उठाया जाता है, इसलिए ये 2019 चल रहा है, 2020 के अंदर ये जनगणना होनी है और हमको ये बात पता है कि किसी प्रकार के विकास से संबंधित कोई भी योजना अगर बनती है देश के अंदर तो हमारे सामने आंकड़े आने जरूरी है और आंकड़े लाने के लिए जनसंख्या का उसकी डिटेल होनी चाहिए, हर राज्य के अंदर कौन सी भाषा के लोग रहते हैं, कौन से लोग रहते हैं, किस प्रकार की स्थितियां वहां पर है, ये सारे आंकड़े आने पर ही एक सही प्रकार की कोई योजना बनती है। ठीक है, इसको धर्म जाति से जोड़ करके देश को खंड खंड करने का प्रयत्न कम से कम नहीं किया जाना चाहिए विपक्षी दल को, और मैं यह विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस देश में विपक्ष को विरोध अगर किसी बात का है तो करो, पर देश की संपत्ति
आप तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के बसें चला रहे हो, तिरंगा झंडा गांधी जी की मूर्ति साथ में लेकर के आप पुलिस को पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हो, ये कहां की ठीक है विपक्ष है? ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, वरुण जी साफ तौर पर ही कहा जा रहा है, अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि एनपीआर और एनआरसी का आपस में कोई लेना देना नहीं, तो फिर क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है सर, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि एनआरसी के लिए बैकबोन एनपीआर? बिल्कुल पराजय विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है। ठीक है वरुण जी, ठीक है सर, जीतेन जी आपका आपके पास वरुण जी से मेरा सवाल है, वरुण जी सुन पा रहे सर, आवाज आ रही है मेरी आप तक? किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं मिला। हाँ पराग जी, क्यों सर विरोध हो रहा है जब साफ तौर पर कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि अलग अलग प्रक्रिया है, कोई लेना देना एनआरसी का नहीं, और एनआरसी की बात इस देश में अभी नहीं की जा रही है। मेरी बात सुनिए पराग जी, अभी क्या है, नई सरकार को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी पब्लिक के दिमाग में से ये सरकार। अब कोई क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी 15-20% का है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात का, तो ये धर्म है कांग्रेस जो भी गवर्नमेंट होती है, प्रधानमंत्री हो, उनका धर्म है कि उस क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आप विश्वास जगाइए। अब विश्वास खत्म हो गया इसलिए आंदोलन स्टार्ट हो गए। रही बात जनसंख्या वाली, सेंसस हमेशा के अभी 2021 में होना है, 10-10 साल से होता है और वो आज से नहीं हो रहा, प्रक्रिया काफी समय से होती है, उससे देश की क्या प्रगति हुई है आप देखिए। अभी जो पिछला हुआ था उसमें किसके घर में कलर टीवी है, फ्रिज है, वाहन है, वो ये देखा जाता है कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है भारतीय नागरिक का उठ चुका है। क्या योजना बनानी है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उसमें क्या योजना बनानी है जिससे वेलबींग और सोसाइटी की डेवलप हो आदमी के, और क्या योजना बनानी तो है जो चीज ठीक है एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है सोसाइटी के अंदर एनपीआर से? नहीं नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा टाइमिंग और इंटेंशन की बात है, अभी 2021 में आपको सेंसस करना है, आप आरंभ में फटाफट लिया है। इस समय जो इश्यू था इकोनॉमिक एड्रेस करना चाहिए था, सबसे बड़ी जो समस्या होगी पहले आप उसको डील करोगे कि फालतू की समस्याओं को पहले टाइम से पहले लाओगे? इस समय इकोनॉमिक एड्रेस करना चाहिए था, रोटी रोजगार का संकट है। अरे भाई वो इतनी जल्दी नहीं होती है, 2020 में स्टार्ट होती है फिर अगले साल पूरी होती है पराग जी। लेकिन हमें अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमारा 15-20 दिन लेट हो गए, हमें और पहले से शुरू कर देना चाहिए था, आपने सुना होगा इंटरव्यू में। मेरी बात सुनिए पराग जी, अमित शाह का विश्वास कोई जनता नहीं करती है, प्रधानमंत्री का फिर भी थोड़ा बहुत करती है, अमित शाह का कोई विश्वास नहीं जनता के ऊपर। असली बात ये रोटी रोजगार को एड्रेस करना चाहिए था, युवा जो सड़कों पे आ रहे हैं, अभी इन्होंने नहीं बात की कोई बस जला रहा है, कोई उद्यम कर रहा है, तो युवा शक्ति में इतना थोड़ी होता है, एनर्जी होती है, एनर्जी कहीं ना कहीं निकलेगी, आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो। आपको सबसे पहले युवा शक्ति जो है जो बेरोजगार ही फैल रही है उसको एड्रेस करना चाहिए था। आप सबसे पहले विश्वविद्यालयों में जाते, भाई तुम्हारे रोजगार की हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, रोटी की ये व्यवस्था कर रहे हैं। इकोनॉमी इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस, पूर्व में कई बार आपको डिबेट में कह चुका, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालत है, सबसे पहले उस पर एड्रेस करना चाहिए, उसके लिए कोई काम करते। आज आप जबरदस्ती एनआरसी ये बिल सिटीजन बिल, तो सिटीजन एक्ट तो जो 1955 में बन गया था, कई बार अमेंडमेंट होता है, 20 साल बाद अपन नहीं रहेंगे तो भी जो पार्लियामेंट होगी उस समय की जो सोसाइटी होगी, जेनरेशन होगी, उस हिसाब से अमेंड करेंगी। असली बात यह है कि आप रोटी रोजगार को एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप ये देखो बार बार उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको जब तक नहीं करोगे असंतोष देश में बढ़ता चला जाएगा। यानी ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है जो भी है, बिल्कुल ध्यान, मैंने आपको फिर कहा टाइमिंग और इंटेंशन की बात है, अभी क्या टाइमिंग है इस चीज का, आप 6 महीने बाद ला सकते हो उस चीज को। सबसे पहले आप इकोनॉमी को संभालने की, इकोनॉमिक एड्रेस को करना चाहिए, आपको जनता को साथ लेना चाहिए विश्वास में कि भाई इकोनॉमी अपनी खराब है, अपन साथ मिलकर कैसे इसको ऊपर उठा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आज युवाओं में रोजगार नहीं है, आप युवाओं को जब तक नहीं संभालोगे, आप सबसे बड़ा इस समय जो युवा देश है भारत है, युवा शक्ति पूरी दुनिया में सबसे बड़ी भारत की है, आप उसको सबसे पहले संभालो। सबसे ज्यादा आप रोजगार की बात करो, कैसे रोजगार सृजित होंगे उनको सबसे पहले संभालो आप। लेकिन आप तो युवा अगर भटक जाएगा तो देश पूरा भटक जाएगा। प्रक्रिया को हम शुरू कर रहे हैं तो समय लगेगा, और साथ ही जब 2021 आते आते प्रक्रिया समाप्त होगी तब सरकार के पास ये डेटा होगा कि कितने बेरोजगार हैं, कितने लोगों को सरकारी योजना। अरे तो सरकार 2021 में एड्रेस करेगी क्या? गतिविधियों को हम रोक पाएंगे? अरे आतंकी गतिविधि का जनसंख्या इससे सेंसस से कोई रिलेशन नहीं है पराग जी। और क्या है 2021 में दोगे क्या आप रोजगार? जब तक यार भूखा रहेगा 2-3 साल आदमी। सबसे पहले रोटी रोजगार फंडामेंटल राइट है आदमी का, आप उसको जो है उस पर एड्रेस नहीं कर रहे हो। आपको 6 महीने दोबारा सरकार बनाए हुए हैं और आपका इकबाल खत्म हो गया, जनता में विश्वास खत्म हो गया, उसको जागृत करने की
बीजेपी तो मैं नहीं कह सकता, बीजेपी और मोदी जी का तो एक साफ डिफरेंस पूरे देश में नजर आ रहा है। मोदी जी का जो पूरा जो उनके जो साथ में एक काकस बना हुआ है उसको सबसे पहले सोचना चाहिए। आम जनता इस समय रोटी रोजगार के लिए परेशान हो रही है, आपको विपक्ष के साथ बहने की क्या जरूरत है? आप देखो भाई, जनता में हमको ये दिख रही है, सबसे पहले हम इसकी बात एड्रेस करेंगे, इस पे जाएंगे, रोटी रोजगार की बात करेंगे। ये तो 6 महीने बाद ला सकते हो आप सब चीजें, ऐसा क्या जल्दबाजी हो रही है? आप जब भी तो ये सब देखो, मैं आपको कह रहा हूं, विपक्ष इतना नहीं मेहनत कर रहा है जितना मोदी जी मेहनत कर रहे हैं विपक्ष को लाने के लिए। आज झारखंड क्यों गया इनके हाथ से? आप आम आदमी की तकलीफों को समझो और आप उस पर एड्रेस करो, उसके क्योर करने के लिए बात करो। असली बात वो है। अब विपक्ष क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, इसकी बजाय आप देखो भाई युवाओं में क्या समस्या आ रही है, आप उनसे मिलो, इनके पास संगठन है इतना अच्छा, उसको इस्तेमाल करो। आज मोदी जी के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप जो भाजपा कह रहे हो, भाजपा का कार्यकर्ता तो खुद परेशान है, वो भी तो युवा है, उनमें भी, उनको भी रोटी रोजगार का संकट है, वो भी सबसे मिलते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है जितेंद्र जी, सरकार की मंशा में क्या खूट है? क्योंकि अपने साथियों को भी साथ कहीं ना कहीं लेकर नहीं चल रही है सरकार, विपक्ष को कैसे संभालेंगे? और साथ ही ये साफ तौर पर आरोप विपक्ष का रहता है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष उठाने की कोशिश करता है, उस मुद्दे को दबाने के लिए ध्यान भटका दिया जाता है कोई ना कोई नई योजना लाकर। देखिए पराग जी, पहली बात तो यह है कि किसी प्रकार का ध्यान भटकाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जो एनपीआर लेके आए हैं ये बिल्कुल ही सतत प्रक्रिया है, जो कि इनको शायद जानकारी नहीं है। इनको पढ़ना चाहिए कि 2010 के अंदर और 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर भी ये कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार के अंदर लाई गई बात थी, उसी समय ये चीज लाई गई थी। और उसके बाद में 2015 में तो हमने घर घर जाकर के, मतलब सरकार ने, जो भी मौजूदा सरकार थी उन्होंने घर घर जाकर के इस बारे में सर्वे किया और हर 10 साल के अंदर डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, फिर 10 साल बाद में जो वृद्धि होती है उसके ऊपर ये खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज को। तो इसको तो कहीं नहीं कि भाई ये जो है ये गलत लाए गए, ये लाए गए। अब मैं कह रहा हूं कि जब 10 साल का पीरियड है हमारे सामने, इसके ऊपर भी कोई विवाद नहीं है कि 10 साल के पीरियड के अंदर ये जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आने चाहिए ताकि योजना बन सके। पर ये जो इनके नेता बोल रहे हैं, ये भरूची तो क्या भले आदमी है, इनके कांग्रेस वाले कितने मानता है कितने, परंतु ये मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो क्यों देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करके क्यों आज बहुत दुर्भाग्य के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो एक जमाने में हुआ करती थी, जिसने 55 साल तक इस देश में शासन किया, उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अभी जो परसों उनका वक्तव्य आया, उस वक्तव्य में एक शब्द उन्होंने ये नहीं बोला कि देश में अहिंसक आंदोलन करना है, हिंसा का विरोध उन्होंने एक शब्द में नहीं किया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी रोज घूम घूम करके और लोगों को भड़का रहे हैं और मार रहे हैं लोगों को, ये इन नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो गरीब तबके का जो मुसलमान है, गरीब तबके का जो मजदूर है, उनके ऊपर मुकदमे बन जाएंगे, उनको कष्ट होगा, इन नेताओं का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। छह साल तक कांग्रेस के नेता ढूंढते रहे कि भाई कहीं ना कहीं खोल मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार का हमको पता चल जाए, पर कुछ भी नहीं मिला। और जो देश की जो पुरानी से पुरानी बीमारियां थी, उन बीमारियों को ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी जब कर रहे हैं, और देश में जब ये बीमारियां लगातार और बिना किसी देश में आक्रोश के ये सारी बीमारियां जब कायम थी, जो 70 का विषय हो, राम मंदिर के नाम के ऊपर कितना कुछ कहा होगा बीजेपी को, कितने लांछन लगाए होंगे, पर उन सबको दरकिनार करके वो मामला भी निपट गया। आज कश्मीर के अंदर पूरी तरह से शांति है, वहां से 70,000 फौज हमने वापस मंगाई है, ये इस देश के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है और पूरे विश्व के अंदर भारत का जो ढंका पूछ रहा है उससे व्यतीत होकर के। ठीक है कांग्रेस विपक्ष ने, ठीक है वरुण जी 2010 में अगर यूपीए सरकार लाई तो ठीक था, 2011 की जनगणना की आज हम बात करते हैं, लेकिन अब 2020 आते आते बीजेपी सरकार लेकर आ रही है, तो सिर्फ विरोध क्या असली किया जा रहा है कि नाकामियां सरकार की गिनानी है? भाई पराग जी, आपको मैंने फिर कहा टाइमिंग और इंटेंशन की बात है, सेंसस तो कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी, सेंसस तो शुरू से हो रहा है, सेंसस होना भी आवश्यक है, लेकिन टाइमिंग और इंटेंशन की बात है। अभी तुरंत से आप ले आए, आप इस समय जो सबसे बड़ी समस्या पहले आपकी जो घर की है वो सुलझाओगे, इधर उधर की चीजें पहले लाओगे, सबसे बड़ी बात है रोटी रोजगार, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, इनको पता है रोटी रोज। आप बीच में बोलो भाई, ये बीच में बोलना मेरे को पसंद नहीं आता, आप इनको समझा दो।
सभी लोग, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था क्या? उस समय बेरोजगारी समस्या नहीं थी क्या? देश के प्रत्येक नागरिक को रोजी रोटी सुबह शाम का खाना मिल रहा था क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? आपने 55 साल राज किया है इस देश में और आज आप रोजी रोजी रोटी रोजी रोटी, अरे रोटी रोजी बिल्कुल होनी चाहिए निश्चित तौर पर। जितेंद्र जी, क्या क्या जो कांग्रेस नहीं कर पाई, क्या बीजेपी भी वो नहीं करेगी? अगर कांग्रेस के राज में रोजगार नहीं थे तो क्या बीजेपी भी अपने राज में रोजगार नहीं देगी? जो 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 इस देश में कमियां रह गई थी सर, कांग्रेस की खामियों को देखकर, कांग्रेस की जो गलतियां रही उनको देखकर तो जनता ने आपको वोट किया, उनको देखकर ही तो आपको सत्ता में लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल दिया है उसी की, और उसी के उसी कमी को दूर करने के लिए, उसी देश की उस परेशानी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोटी रोजी की समस्या को दूर करने के लिए ये जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि देश में एक ऐसी मजबूत योजना बने कि जो नीचे से नीचे था सबसे लास्ट का जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक रोटी और रोजगार पहुंचे। इसलिए क्या सरकार को 5.5 साल बाद समझ आ रहा है कि देश के अंदर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है? ये एनपीआर की ये योजना है ही इसी बात के लिए कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है उस तक हम रोटी रोजी की व्यवस्था कर सके और ऐसी योजना बना सके, इसलिए ये योजना। और उसके अंदर भी अगर ये रोड़े डाल करके और अफवाह फैला करके देश में अराजकता का माहौल बनाना चाह रहे हैं। आप देखिए बंगाल के अंदर क्या स्थिति कर दी इन्होंने, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति कर दी, और आप ये वहां गांधी जी के ऊपर बैठ करके, गांधी जी की समाधि पर बैठ करके देश में हिंसा फैला रहे, इससे बड़ा ज्यादा अपमान महात्मा गांधी का हो नहीं सकता। महात्मा गांधी की तस्वीर, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के अशोक गहलोत साहब शांति यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे राजस्थान को ठप कर दिया इन्होंने। पूरे राजस्थान के अंदर नेट बंद, मेट्रो बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाजार बंद, सब बंद करके अब शांति मार्च निकाल रहे, अहिंसा फैला रहे। हेलो, देखिए जितेंद्र जी, सवाल इसलिए लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार 5.5 साल से आपकी सरकार है, दूसरा टर्म आ गया है मोदी सरकार का, जनता ने आपको मौका दिया है, लेकिन एक के बाद एक कानून आते जा रहे हैं। नागरिकता एक है, इंसान एक है, लेकिन कानून अलग अलग जो ला रहे हैं, और क्या इस बात को भी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं CAA को लेकर या फिर NRC को लेकर जो भ्रम देश की जनता में फैला हुआ था उसको लेकर जनता को समझा नहीं पाई सरकार, और उसी का नतीजा यह रहा कि अमित शाह को खुद NPR आने के बाद आना पड़ा और जनता को बताना पड़ा कि आखिर हम क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए NPR के अंदर स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने यह कहा, पहले भी उसके लिए भी ये कहा कि नागरिकता संशोधन के लिए भी कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका संबंध देश के नागरिकों की नागरिकता लेने से नहीं है, ये नागरिकता को देने का प्रश्न है, देने से संबंधित है। परंतु हमने क्या, मैंने क्या कहा पर आगे आपको कि इस देश में एक गैंग काम करता है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग और पपैया गैंग, ये दोनों गैंग ने मिलकर के देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को इस प्रकार से भड़काया। आप ये देखिए कि किस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई कि सब मुसलमानों को शरणार्थी शिविर में रख देंगे, मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देंगे, मुसलमानों को साथ में लेकर के कितना भ्रम फैलाया गया इस देश में, जबकि जो मुस्लिम समाज के जो बड़े नेता है, जो समझदार नेता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, इस देश के अंदर ये जो कानून लाया गया है ये मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। गृहमंत्री जी ने खुद ने लोकसभा के अंदर इस बात को स्वीकार किया था कि मुसलमानों के विरोध में और जो देश में मौजूदा नागरिक है उनसे संबंधित ये नहीं है। मैं डिबेट देखता हूँ रोजाना और डिबेट में किस प्रकार की बातें कही जाती है कि साहब 5 करोड़ लोग आ जाएंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान से। अरे भाई साहब, ये 5 करोड़ लोग आने वगैरह नहीं है, जो इस देश में शरणार्थी बन के आ चुके और डेडलाइन बार बार इनको बताई, 2014 की जो डेडलाइन थी उस डेडलाइन के पहले जो लोग आ चुके, ठीक है, ठीक है सर, ये दर्शकों को हम बता चुके हैं कई बार, क्योंकि अब आकर सफाई दी जा रही है, पहले काफी भ्रम फैला हुआ था उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई इनिशिएट नहीं लिया गया कि लोगों को समझाया जाए। खैर, लेकिन वरुण जी मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि NRC के लिए ये पहला कदम है, बैकडोर एंट्री है NPR, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि NRC और NPR एक है? पराग जी, असम में जिस तरह से फेल हुए, 1600 करोड़ रुपए कचरे में चले गए और 19 लाख में से 14-15 लाख हिंदू उसमें आ गए थे, उसको गलती को छुपाने के लिए फिर इन्होंने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और अरे यार, आप बीच में मत बोला करो, मैंने बोला आपके बीच में, सिर्फ 1 मिनट बचा मेरे पास, आप जल्दी जल्दी अपनी बात, आप देखो
पॉलिटिकल आईक्यू नहीं आएगा प्रधानमंत्री का आप उस लाने से पहले। अरे भैया आप मैनर्स रखा करो डिबेट करने के, ये है इनकी गैंग, सुन लीजिए सर, ये इनकी गैंग, बीच बीच में चिल्लाना हल्लोड़ मचाना, ये बहुत बड़े लिखे हैं। वरुण जी आप अपनी बात करिए सर जल्दी से, जितेंद्र जी सुन लीजिए सर प्लीज। सुप्रीम कोर्ट भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो उसको पहले अपना आईक्यू होना चाहिए, 5 साल में डेवलप होना चाहिए था। कोई भी एक्ट ला रहे हो बिल ला रहे हो आप जनता में पहले उसकी जागृति फैलाते फिर आप करते, अब दूसरे पे आरोप लगाने से क्या मतलब। एनआरसी और एनपीआर क्यों लग रहा है विपक्ष को भाई, आपको बताया टाइमिंग और इंटेंशन बार बार इसी चीज पे क्यों प्रक्रिया को लाए जा रहे हैं। एनपीआर अभी लाने की क्या जरूरत थी, 6 महीने बाद आ जाता। ये लग रहा है कि अमित शाह जब कह रहे थे एनआरसी आएगा प्रधानमंत्री नकार दिया, उसके बाद अब एनपीआर लाने की बात की जा रही है। अरे भाई अमित शाह का कोई इकबाल नहीं है भारत में, अमित शाह को वोट नहीं दिया जनता ने। अरे भाई अमित शाह का कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मोदी तो कह रहे ना सर एनआरसी और इसका कोई लेना देना नहीं, एनआरसी की कोई बात इस देश के अंदर नहीं हो रही है। अरे तो अमित शाह को आगे क्यों ला रहे हैं, खुद को आगे आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मिलना चाहिए जनता से, विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री को खुद को बात करनी चाहिए युवाओं से। ये तो डर गए इस आंदोलन से इसलिए ये सब चीजें ला रहे हैं बार बार छुपाने के लिए। ठीक है जितेंद्र जी जल्दी से सर बहुत छोटा सा कमेंट 10 सेकंड के अंदर प्लीज, आखिरी कमेंट आपका बहुत जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। किसको 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 स्पष्ट रूप से करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से बात कह दी स्पष्ट रूप से हो गई और इस बात को मन में ये सब जानते हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब जानते हैं अच्छी तरह कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी ठीक है इस देश में अराजक स्थिति। ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वरुण जी आपका बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब एनपीआर की बात हो रही है लेकिन सवाल एनपीआर को लेकर खड़े हो रहे हैं, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन विरोध हो रहा है, अभी भी राजनीति हो रही है, बयानबाजियां हो रही है, मगर जनता से अपील इंडिया न्यूज राजस्थान करता है कि आप जरूर समझें हर एक चीज को जो भी सरकार की ओर से लाई जा रही है, पहले आप उसे खुद समझें और तब किसी की भी बयानबाजी पर आप ध्यान दें। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।